हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं भी ठीक ही हूँ। तो आज मैं लाई हूँ के ब्यूटी की लिपस्टिक लॉन्च हुई है, जो कि 16 शेड में लॉन्च हुई हैं, 16 शेड में लॉन्च हुई हैं। और ये रेड मिल जाएंगे आपको, न्यूड मिल जाएंगे, पिंक मिल जाएंगे, इसमें सभी शेड हैं इसमें। और के ब्यूटी के प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद आते हैं, इसलिए मैं इसका रिव्यू लाई हूँ। तो पहले मैंने फर्स्ट शेड मंगाया था, ये क्रीमी लिपस्टिक है। जैसा कि ट्रेंड चला हुआ है ग्लॉसी क्रीमी लिपस्टिक का, तो वैसा ही के ब्यूटी ने भी लॉन्च किया है। सो चलिए मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने इसमें पहला फर्स्ट शेड मंगाया, तो थोड़ा मुझे वो डार्क लगा, तो मैं लाइट ज़्यादा लगाती हूँ। तो दूसरा भी शेड मैंने मंगाया, तो ये दो हैं मैंने मंगाए हैं। तो चलिए पैकेजिंग की बात करती हूँ। तो जो इसकी पहले मैट लिपस्टिक आई थी, सेम पैकेजिंग वैसी है, देख सकते हैं आप सब। और कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है, यहाँ कलर कोडेड है, और कलर कोडेड है जैसा कि शेड होगा आपका। और लगभग सिमिलर नहीं दिख रहा है मुझे कलर यहाँ, एकदम सिमिलर ही हो। तो यहाँ लिखा है के ब्यूटी हाइड्रा क्रीम लिपस्टिक इनरिच विथ हायलुरोनिक एसिड। इसमें हायलुरोनिक एसिड है, जो कि आपके ड्राई चैपी लिप्स को एकदम, ये मतलब कि लिपस्टिक के साथ साथ लिप केयर भी इसमें दिया हुआ है, जिससे कि आपके लिप्स बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं होगा, तो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। मॉइस्चर के साथ है, हायलुरोनिक एसिड आप जानते होंगे क्या काम करता है, नमी का काम करता है। सो इसमें हायलुरोनिक एसिड है, और ये 3.6 ग्राम की है, और इसकी प्राइस है, जबकि जानते हैं तो के ब्यूटी का थोड़ा हाई होता है, 1000 तक जाता ही है, तो ये 999 का है, 999 का, 1 रुपये का में 1000 का है ये। तो ऐसे इसकी पैकेजिंग है, यहाँ इसका शेड नेम दिया हुआ है। तो इसका पहला शेड है ये सेडक्टिव करके शेड है, सेडक्टिव। चलिए मैं इसकी इनर पैकेजिंग की बात करती हूँ। इनर पैकेजिंग इसकी इतनी प्यारी है, देख सकते हैं, और काफ़ी हैवी लग रही है। और ये तो ट्रैवल फ्रेंडली है, ये किसी तरह से भी निकलने वाली नहीं है, ना गिरने वाली, मतलब कैप निकलने वाली नहीं है, ये यूं करके ऐसे निकलेगी, मतलब कि थोड़ी मैग्नेटिक टाइप की है। और रोज़ गोल्ड की पैकेजिंग, हल्का सा रोज़ गोल्ड इसमें दिया हुआ है, आप सब पास से देख सकते हैं, जैसे कि इसमें के ब्यूटी का जिसे प्रिंट नहीं बना रहता वैसा बना हुआ है। और यहाँ आपको बहुत अच्छी बात है कि यहाँ आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट मिल जाएगी, नीचे आपको क्वांटिटी मिल जाएगी, सीड नेम मिल जाएगा। तो आपको एक्स्ट्रा इसको रखने की वैसे कोई ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था सीड जो था सेडक्टिव करके था, और दूसरा सीड जो है सेवी करके है, सेवी। तो इसका भी पैकेजिंग ऐसे ही है। तो ऊपर की पैकेजिंग कलर कोडेड है, लेकिन अब बाकी सबकी पैकेजिंग गोल्ड है, गोल्डन है, तो आपको सेट नेम देखकर ही पता करना पड़ेगा। तो पैकेजिंग गुड, पैकेजिंग बहुत अच्छी है इसकी। और हाँ, प्राइस वाइज थोड़ा मैं बोल सकती हूँ कि हाई है, तो अभी तो न्यू लॉन्च है, ऑफ़र हो तो ले सकते हैं, तो ऑफ़र हो तो आप ले सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, जैसे कि क्रीमी लिपस्टिक मैं लगाना स्टार्ट कर दी हूँ, ज़्यादा लगाती भी हूँ, तो क्रीमी लिपस्टिक के हिसाब से बहुत अच्छी है, काफ़ी पिगमेंटेशन है इसका, वन स्वाइप पिगमेंटेशन है इसमें, और पूरे लिप्स को ये कवर कर देगा, और आपको फील भी नहीं होगा कि आपने कुछ लगाया है, स्टिकी बिल्कुल भी नहीं है ये, तो नॉन स्टिकी फार्मूला लगा लेंगे तो बिल्कुल भी ये नहीं फील होगा कि आपने कुछ लगाया है। 4-5 घंटे आराम से स्टे करती है, कुछ खाते पीते हैं फिर भी ये
ट्रांसफ़र प्रूफ तो नहीं है, ट्रांसफ़र होती रहती है बट इसका जल्दी से ये लिप्स से जाती नहीं है और ये काफ़ी ग्लॉसी फिनिश देती है, शाइनी फिनिश देती है लिपस्टिक। तो मैं आपको दिखाती हूँ उसका स्वाच। ये लाइटर शेड है सेवी करके, तो वन स्वाइप में ये पिगमेंटेशन देती है। इसका मैंने शॉट भी दिया डाला है, ये देख सकते हैं, क्योंकि ये लाइट शेड है, ये मैंने दूसरा लगाया हुआ है। तो मैं इसका स्वाच करके भी आपको दिखाती हूँ। तो ये सेवी शेड है, इसकी जो मैट ड्रामा आई थी ना सेम वैसा ही इसका शेप दिया हुआ है, जिससे आप लिप को ऐसे लाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप फिल कर सकते हैं। तो ये ब्राउन पीची सा कलर है, तो ये ब्राउन पीची सा कलर है, तो काफ़ी अच्छा कलर है। तो लिंक मैं दे दूंगी, नायका पे के ब्यूटी है। तो सेकेंड शेड दिखाती हूँ मैं, शेड है सेडक्टिव, ये डार्क शेड है, मतलब उससे इसका पिगमेंटेशन और अच्छा है। ये मेजेंटा टाइप पिंक नहीं होता, वैसा ही है। तो ये देख सकते हैं ये शेड है, सो फ्रेंड्स ये लिपस्टिक मुझे बहुत अच्छी लगी और जिन्हें भी क्रीमी लिपस्टिक अच्छी लगती है वो बाय कर सकते हैं। और एक्सपेंसिव तो है ही, फ़ोन आ रहा है तो डिस्टर्बिंग हो जाती है मैं जब भी वीडियो बनाने बैठती हूँ, सो सॉरी इसके लिए। तो आप लोग इसको बाय कर सकते हैं, अगर आपको एक्सपेंसिव लग रही है तो जब ऑफ़र हो तो लीजिए, अभी न्यू लॉन्च है तो ज़्यादा ऑफ़र इस पर है नहीं, तो ले सकते हैं। और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ये थी इसके विषय में रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।